एफएम इंडिया न्यूज 24 एचडी में हूं आपके साथ गोपाल ठाकुर। बड़ी खबर आ रही है गोवर्धन से। लाचार परिवार तीन दिन से भूखा पानी बह गया, राशन पानी चूल्हा सब कोई नहीं खुद लेने वाला। मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला अंतर्गत गोवर्धन विकास खंड के गांव नगला मांड चौथिया का है, जहां पिंटू का परिवार जल आपदा से प्रभावित होकर खुले में रात गुजार रहा है। इस परिवार के कच्चे मकानों में लगभग घुटने तक पानी भरा हुआ है। परिवार का राशन बर्तन चूल्हे बिस्तर कपड़े सब कुछ पानी में बह गया। तीन दिन से परिवार में खाना तक नहीं बना, गांव में मांग कर खा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। लगभग 10 साल से परिवार इस आपदा का सामना लगातार कर रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नाम? कौन सा गांव है ये? तो आपका ये घर जो पानी में बह गया है सब पूरा खाने पीने का सामान, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सर ये कहना चाहें कुछ मालिक गरीब आदमी कुछ मदद मिल जाए अच्छी बात है, हर साल ऐसा ही होता है। तो कोई शासन प्रशासन का अधिकारी देखने नहीं आया? कोई नहीं आता है साहब, कोई नहीं सुनता है, हम सब जगह गए। और ग्राम प्रधान? कोई नहीं सुनता है, अभी प्रधान नया हुआ, पहले तो बहुत प्रधान बदल गए, कोई किसी की नहीं सुनता है सर। अच्छा, तो लगभग कितना नुकसान हो गया होगा आपका? नुकसान सर आप देख रहे हैं, हमारे नाच पानी आटे वाटे बर्तन कुर्तन सब बह जाते हैं, खटिया कुछ नहीं बचा है, कुछ ना है, ये हालत है सर। अब क्या चाहते हैं प्रशासन से? अब साहब जो मदद मिल जाए जो। आपका नाम? सत्तू सिंह। कौन सा गांव है ये? माड़ा चौथी। तो ये यहाँ पे जो परिस्थिति दिख रही है, पानी में घर बहे हुए हैं, खाना पीने का सामान रहने का सब कुछ बह गया है, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहता हूँ प्रशासन इनकी मदद करे, अपने सारे गरीब आदमी खाने पीने के लिए सब सामान बह गया है। कितने साल से झेल रहे हैं समस्या को? करीब करीब 10-15 साल से। तो प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया? आज तक कोई आया नहीं। ग्राम प्रधान सेक्रेटरी वगैरह? कोई नहीं। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन? यही चाहते हैं ये तीन दिन से तो मुझे नहीं चाह रहे। अच्छा, खाना खाने का वो भी पानी डूबा हुआ है, आप देख रहे हैं, और हम तो यही चाहते हैं शासन प्रशासन।